ये है हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट। इन्होंने भी 5,000 रुपयों में शुरू किया था, इन्होंने भी दिमाग लगाया था, इन्होंने भी यही सोचा होगा ना कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं चेक तो कर लूं कैसी है वो कंपनी। राकेश झुनझुनवाला इनका पोर्टफोलियो देखते हैं कि इनका दिमाग किस वे से काम करता है, इन्होंने किधर किधर अपना इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारी कंपनीज कुछ सेलेक्ट किए मैंने। इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है टाइटन कंपनी में, कितना पैसा 7,725 करोड़ रुपया लगा रखा है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न देख लो आप, 1719 रुपए का शेयर चल रहा है, शायद इन्होंने उस टाइम पे 3 रुपए का खरीदा था। इन्होंने पैसा लगा रखा है टाटा मोटर्स, सोचो कि जरा ये भी टाटा मोटर्स पे बिलीव रखते हैं, वहां पर 1309 करोड़ रुपया लगा रखा। अभी ये भले -186 जो भी दिख रहा हो यार, इन्होंने जब पैसा लगाया था उस टाइम टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस काफी कम थे तब खरीदा था। S&P ग्लोबल कंपनी है, उनसे वाली श्रीसिल, तो ये वाली कंपनीज में 1048 करोड़ रुपए का लगा रखा। इन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा तभी तो लगाया होगा, आप एक कॉपी मत करना कि राकेश झुनझुनवाला लगा रखा तो मैं भी लगा दूं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बता दूं इन सारे शेयर में सिर्फ टाटा मोटर्स के शेयर है और किसी के नहीं। मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ ट्रस्ट किया तब जाके मैंने लगाया, तो मैंने ऐसा नहीं राकेश झुनझुनवाला जी जो पोर्टफोलियो बना रखा मैं भी वही बनाऊंगा, नहीं। राकेश झुनझुनवाला जी की रिसर्च अलग है, आपकी अलग, आप अपनी रिसर्च कर लो। तो इन्वेस्टर की तरह सोचो।